जुगाड़ बनाने में भारत और अफ्रीका ही नहीं बल्कि फिलीपींस भी बहुत आगे है। फिलीपीनी लोगों ने इगलोट नाम का एक ऐसा स्कूटर बनाया है जो दुनिया में सबसे अलग है, क्योंकि इस जुगाड़ को बनाने के साथ साथ इस पर की गई डिजाइनिंग देखने लायक है। तो आइए जानते हैं इस फिलीपीनी स्कूटर के बारे में, जिसकी लोग यहाँ पूजा भी करते हैं। फिलीपीन के जंगलों में इगलोट नाम के आदिवासी लोग रहते हैं। इन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि ये कोई बाइक तो क्या साइकिल ही खरीद लें, इसलिए इन लोगों ने दिमाग लगाया, क्यों ना हम एक स्कूटर लकड़ी का बनाएं, क्योंकि जंगलों में रहने वाले इन लोगों के पास लकड़ी के अलावा कोई सहारा ना था। फिर क्या, इन लोगों ने लकड़ी के ही स्कूटर बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने इस स्कूटर को बनाने के साथ साथ इसकी नक्काशी पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया। किसी ने स्कूटर पर शेर का मुंह बनाया तो किसी ने ड्रैगन और हाथी बनाया हुआ है, जिससे देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। पहले तो ये लोग इस स्कूटर का इस्तेमाल जंगलों में ही करते थे, लेकिन जब ये लोग अपने इगलोट स्कूटर को शहरों में लेकर पहुंचे तो शहर के लोग इन्हें देखकर दीवाने हो गए, क्योंकि एक तो ये बिना पेट्रोल के चलता है और दूसरे पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है और तीसरे सबसे खास बात इनकी खूबसूरत नक्काशी थी। यहाँ हर साल इगलोट स्कूटर रेसिंग का मुकाबला भी होता है, जिसमें जीतने वाले को अवार्ड दिया जाता है। अगर इसको चलाने की बात करें तो जिस तरह नाव चलाते हैं, इसी तरह एक लकड़ी को जमीन पर रखकर धकेलते हैं, या फिर चुकुड़ू स्कूटर की तरह एक पाव से धकेलना पड़ता है। और हम आपको बता दें, ये जुगाड़ कोई नया नहीं है, बल्कि फिलीपींस के आदिवासी लोग इसका इस्तेमाल तकरीबन 40 साल से कर रहे हैं। इगलोट आदिवासी परंपराओं का दावा है, देवता पहाड़ों और पेड़ों में रहते हैं, और जिस लकड़ी से हमने इस स्कूटर को बनाया है, इस लकड़ी में भी वही आत्मा है। इसीलिए इगलोट स्कूटर को ये लोग भगवान के रूप में भी मानते हैं और इस स्कूटर की पूजा भी करते हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी, प्लीज़ एक कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।